जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ पता नहीं आवाज आइसक्रीम वाला कहाँ से आ जाता है, क्यों आ जाता है मेरी समझ से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसे मैंने आप इसको सब ब्लॉग में लोग? हूँ नताशा अवकाश। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेक नेल की एप्लीकेशंस और आप उन फेक नेल को ऐसे कैसे लगाएं कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे और दूसरी बात कि वो रिमूव ना हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप ब्राइड टू बी हो, आप पार्टी मेकअप करवा रहे हैं तो आपने नेल्स की एप्लीकेशन करनी, आपके नेल वही तरह है चुने चुने से, तो आप किस तरीके से फेक नेल लगाएं जैसे मैं वीडियोज में लगाती हूँ और आप लोग पूछते हैं कि आपने क्या नेल्स कौन से लगवाए हैं जो रिमूव नहीं हो रहे ड्यूरिंग मेकअप भी, तो आप भी किस तरीके से वो वाले नेल्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस गम से कर सकते हैं, उनको रिमूव कैसे करना है, बिल्कुल सस्ती सी चीजें हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। आपका मजीद टाइम जाया के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो तरह। तो जो नेल मैं यूज कर रही हूँ वो ये वाले हैं, ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे 150 रुपीज के। ये मैंने लिए थे, मैंने काफी ज्यादा लिए थे, मेरे पास ये लास्ट पीस रह गया है और मैंने ये आज तक इसकी एप्लीकेशन इसी वजह से नहीं की थी कि मैं ये आपको किसी वीडियो में लगा के दिखाऊंगी। तो ये बने बनाए नेल्स होते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इस तरीके के। और काफी लोग कहते हैं कि इनकी रीएप्लीकेशन नहीं हो सकती, लेकिन इनकी रीएप्लीकेशन हो सकती है। आप इनको 4 से 5 दफा यूज कर सकते हैं अगर तरीके से यूज करें आप इनको। तो ये इस तरह के नेल्स हैं ये, और अभी मैं इनको अपने नेल्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। और आपको उसके साथ चाहिए ये एक एल्फी, ये 30-35 रुपीज की आ जाती है, किसी भी ब्रांड की आप एल्फी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर यूज करने का मेथड क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, आप कैसे लगाएंगे और कैसे रिमूव करेंगे सारा कुछ। तो एल्फी और ये नेल्स चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके नेल्स थोड़े से बड़े हुए हैं तो आप नेल कटर से अपने नेल्स को काट लीजिए। अभी मेरे नेल्स थोड़े थोड़े से बड़े हुए हैं, मैं भी ये कट करके आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे कर लिए दोनों हाथों के, बिल्कुल छोटे छोटे कर लिए हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि तो फेक नेल आपको इरिटेट नहीं करेंगे, दूसरा कि वो बिल्कुल नेचुरल लगेंगे। उसके बाद आपने कोई भी फाइलर लेके नेल्स की जो ऊपर वाली सतह होती है ना, यानी कि नेल्स को ऊपर से फाइल करना है, जिसका वजह से ये थोड़े से रफ हो जाए और जब आप इस पर एल्फी लगाएं तो वो दूसरे नेल के साथ अच्छे से स्ट्रक करें। मेरे नेल्स कितने शाइन कर रहे हैं तो मैं इनको अच्छे से फाइल करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं करना, बस इतना सा करना है कि थोड़ा सा खुरदुरा हो जाए नेल और जो शाइन है इसके ऊपर वो खत्म हो जाए और जो हम दूसरा नेल्स लगाए वो अच्छे से स्टिक करें। सारे नेल्स को अच्छे से फाइल कर लेती हूँ ताकि ये थोड़े से खुरदुरे हो जाएं, और जब खुरदुरे हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर फिर एल्फी लगा के आपको इसकी एप्लीकेशन करना सिखाऊंगी कैसे करते हैं, आपको इनको रिमूव करना भी सिखाऊंगी। और अगर आपका सैलून है या आप किसी शादी पे जा रहे हैं, जैसे मैंने ब्राइडल मेकअप करवाया था तो मेरा नेल गिर गया था, लेकिन अगर आप इस टेक्निक से करेंगे तो आपका नेल नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नेल्स नहीं बढ़ाती, बच्चे हैं छोटे उनको नेल्स लग जाता है। दूसरी बात, खाना वगैरह बनाना होता है तो वकास खाना नहीं खाते अगर नेल्स बढ़े हुए हों, तो वो कहते हैं जब से पहले जाके नेल्स काटो उसके बाद रोटी बनाना मेरे लिए तो मैं नेल्स नहीं बढ़ाती। वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं लंबे नेल्स, लेकिन मैं फेक लगा लेती हूँ जो मेरा दिल करता है थोड़ी सी देर के लिए। तो फिर नमाज वगैरह की भी टेंशन नहीं होती कि नमाज नहीं पढ़ सकती, नेल पॉलिश लगी हुई है, मतलब मैं कोई उजर नहीं देना चाहती। मैं इस वजह से नेल पॉलिश भी बहुत कम लगाती हूँ, लगाती हूँ तो उन दिनों में लगाती हूँ जिन दिनों में मुझे पता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, उन दिनों में मैं लगाती हूँ। अदरवाइज में नेल पॉलिश आपने देखा होगा वीडियोज में मोस्टली नहीं होती, मेरे नेल्स में बहुत कम होती। कभी बहुत कोई स्पेशल वीडियो तो मैं फेक नेल लगा लेती हूँ अपने दिल को खुश करने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए, जो लोग मेरे छोटे नाखूनों से बहुत ज्यादा तंग है उन लोगों को खुश करने के लिए भी नेल्स लगा लेती हूँ। अभी मैंने इनको अच्छे से फाइल कर लिया है, उसके बाद मैं अब लगाऊंगी इनके ऊपर एक एक ड्रॉप एल्फी, कोई भी एल्फी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे से ब्रांड की हो, मैं क्लोज से दिखा देती हूँ। बस एक एक ड्रॉप मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, एक ड्रॉप इस पे लगाऊंगी और एक ड्रॉप नेल्स पे लगाऊंगी, और सारे नेल्स पे ना मैं एक बार ही लगा लेती हूँ, बार बार नहीं लगाती, सैलून पे करती रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इसके ऊपर। अभी मैंने एक एक ड्रॉप सारे नेल्स के ऊपर लगा ली, आपको नजर आ रहा होगा ये वाली जो उंगली है ना, इसे मुझे शौक लगा था बचपन में, मैंने ये अंगूठा और ये उंगली स्विच में दे दी थी, जिसकी वजह से ये उंगली आज तक ऐसी ही सही नहीं हुई मेरी। डबल पैकिंग में होते हैं इस तरीके की, पहले इसका एक ये वाला बॉक्स होता है इससे मैंने इनको निकाला है, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स है इसको निकालूंगी मैं इस तरीके से। ये देखें, अब ये सारे नेल्स इसके ऊपर आ गए, मैं इसको अंदर डालती हूँ फिर आपको। ये वाले नेल्स हैं, ये 12 नेल्स होते हैं एक्चुअली, में 2 जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं पैरों के अंगूठे के साइज के लेकिन खैर मैंने तो कभी पैरों पे अप्लाई नहीं किया, कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, मार्केट से मिलेंगे 150 रुपीज के, बहुत ही सस्ते नेल है, बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी आप 700-700 के नेल लो, थोड़ी सी देर के लिए लगाने होते हैं। वाले नेल्स देखें, अब इन पे आर्ट भी हुआ हुआ है, थोड़ी देर के लिए दिल को ही खुश करना होता है, फोटोज अच्छी आ जाए बस, तो उसके लिए तो ये वाले नेल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी ऑलरेडी गम लगी हुई है ये। अब जो मैंने डॉट डॉट इसके ऊपर लगाया है ना, मैं इसको इसके ऊपर अच्छे से स्टक, सीधे का और उल्टे का पता ऐसे चलता है कि जो नीचे वाली साइड होती है ना वहां पे एक डॉट सा होता है, तो वो इसका नीचे की तरफ आता है। ये देखें, इस वाली जगह पे ना थोड़ा सा एक डॉट सा होता है जिसे पता चलता है कि ये नीचे लगेगा। तो अब मैं इसको इस तरीके से एप्लीकेशन कर रही हूँ, और जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ पता नहीं आवाज आइसक्रीम वाला कहाँ से आ जाता है, क्यों आ जाता है मेरी समझ से बाहर है। अभी मैंने इसके ऊपर लगाया है, इसको मैं थोड़ी देर से प्रेस रखूंगी और ये इतना अच्छा चिपक जाएगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा, पता भी नहीं चलेगा आपने फेक नेल की एप्लीकेशन की है। और जो मैंने नाखून को कट किया है यहाँ से, आप देखें उसकी वजह से अंदर से नेल्स भी नजर नहीं आ रहे, जो कि अक्सर वीडियो में नजर आ रहे होते हैं लोगों के अंदर से दूसरे वाले नेल्स, तो साफ पता चलता है कि ये फेक लगाए हुए नेल्स, तो इससे पता नहीं चलता बिल्कुल भी कि फेक नेल्स लगे हुए हैं। अच्छे से स्टक हो गया, और अब आप देखें आगे से भी देखें
कितना ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और यहाँ से भी देखें कोई अंदर से फेक नेल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अंदर से नेल्स को कट किया हुआ है और मैंने खुरदुरा करके लगाया था, तो ये अच्छे से स्ट्रक हो जाएगा और इतना ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं साथ साथ आपको फेक नेल की एप्लीकेशन करना दिखा रही हूँ और साथ साथ नेल्स को बैक साइड से दिखा रही हूँ, जहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ है बिल्कुल नेल के दरमियान में, और जहाँ पे भी लग रहा है मुझे नेल के चौड़ा है, मेरी फिंगर के साइज़ का नहीं है, तो उसको मैं फाइल कर लेती हूँ अच्छे से। और मुझे ना नेल लगाने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं सैलून पर लगाती रही हूँ ब्राइड्स को और क्लाइंट्स को काफ़ी अर्से तक, तो मैं एक ही दफ़ा में लगा के एल्फी लगा लेती हूँ। अगर आपको नहीं प्रैक्टिस तो आप साथ साथ एल्फी एक नाखून पर लगाएँ और फिर नेल्स लगाएँ, और अगर नेल के ऊपर ऑलरेडी गम नहीं लगी हुई तो आपने एक ड्रॉप छोटा सा नेल्स पर लगाना है और एक ड्रॉप छोटा सा उंगली पर लगाना है और उसको अच्छे से स्टक कर लेना। अब देखें सारे हाथों पे नेल्स अप्लाई हो गए और ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये थी मेरी फेक नेल की एप्लीकेशन और आप देखें कितने नेचुरल लग रहे हैं नेल्स, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि फेक नेल्स लगाए हैं। आप कहीं से भी देख लें, आगे से या पीछे से। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कहीं से जरूरत है इनको फाइल करने की, तो आप इनको फाइल भी कर सकते हैं। ये दो नेल रह गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ा साइज है पैरों के साइज का, और मुझे नहीं पता कि कौन लेजेंड है जो पैरों में नेल्स लगाते हैं। खैर जी, ये वाली फिंगर है ना, इसका नेल सही नहीं लगता, क्योंकि इसका जो नेल है ना वो टेढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे करंट लगा था बचपन में, मैंने स्विच में उंगलियां दे दी थी, मैं छोटी सी थी 1.5 ईयर की, अम्मी ने बताया था मुझे, तो जब से ये वाली उंगली में तो लग जाता है, इस पर भी लगा हुआ, लेकिन क्योंकि इसका नाखून टेढ़ा नहीं है तो इस पर लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर नेल टेढ़ा लगता है। तो मुझे इसको नेल को थोड़ा सा फाइल करना पड़ता है, कि इसको इस तरफ से ना मैं हल्का सा फाइल कर लेती हूँ, थोड़ा सा घिस देती हूँ मैं इस नेल को यहाँ से, तो फिर ये इतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं लगता और फिर वीडियोज़ में भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता इस तरीके से, ये देखें। बाकी आपको अगर थोड़ी शेप चेंज करनी है तो आप अपने हिसाब से शेप चेंज कर सकते हैं इसकी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्क्वायर शेप में है तो आप जैसी मर्जी शेप कर ले, क्योंकि अभी फिक्स लग गए हैं, अभी आप कुछ भी करेंगे तो ये रिमूव नहीं होंगे जब तक कि आप इसको गर्म पानी में डिप नहीं करेंगे नेल्स को, तब तक। आप इसको रिमूव करने का मेथड ये, साथ साथ आपको वही बता दूं कि जब आपने जिस पर्पस के लिए लगाए हैं, जब आपका वो पर्पस पूरा हो गया है शादी के इवेंट के लिए, या ब्राइड हैं आप या पार्टी मेकअप कर रही हैं, तो अक्सर ब्राइड्स को ये इशू होता है कि उनका नेल नहीं उतर रहा था जो उन्होंने फेक लगाया होता है, तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना वो ये है कि आपने नीम गर्म पानी के अंदर अपने नेल्स को ऐसे डिप करके रखना है और कम से कम 5 मिनट के बाद, उसके बाद वो जो एल्फी होती है ना वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती है हीट की वजह से, और फिर आप इसको साइड से खुरच के आराम से उतार सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा मेथड है, और इस मेथड से आप नेल्स की एप्लीकेशन करें तो बहुत प्यारे लगते हैं नेल्स आपके, और बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, छुट्टियों में अगर आप लगाना चाहते हैं नेल्स तो आप लगा सकते हैं, तो आप पूरे 4-5 दिन आराम से लगा सकते हैं नेल्स को, कोई इशू नहीं होता है इनका। आप इनसे बाल बना सकते हैं, आप इनसे लिपस्टिक लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते आपके नेल्स जो हैं आराम से। इयररिंग्स पहने, आप ज्वेलरी पहने, जो मर्जी करें, आप लाइनर लगा सकते हैं इनकी मदद से। आपने देखा, एक मैंने निकाह और एंगेजमेंट की मेकअप लुक की थी किम यूज के मेकअप प्रोडक्ट से, उसके अंदर मैंने फेक नेल्स लगाए थे और वो फेक नेल से मैंने पूरा मेकअप किया था, मेरा एक नेल भी उसने नहीं उतरा था। तो आप भी इसी मेथड से लगाएं नेल्स और फिर मेरे साथ जरूर शेयर करें। जरूरी नहीं है कि आप 600 के 1600 के 1000 के नेल्स खरीदो यार, थोड़ी सी देर के लिए लगाना होता है, जरूरत क्या है इतने ज्यादा पैसे वेस्ट करने की। 150 के नेल्स भी उसके अंदर इतने ज्यादा डिजाइन आते हैं, इतने ज्यादा डिजाइन आते हैं, अभी आप देखें कितना नेचुरल लग रहा है। और इन नेल्स के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा डिजाइन आते हैं, स्टोन्स वाले, स्टार्स वाले, पर्ल। दोबारा मार्केट जाऊंगी ना तो इन नेल्स के सारे डिजाइन लेकर आऊंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इनके अंदर कितने डिजाइन आते हैं। और ये मुझे 150 का मुझे याद है कि मैंने लिए थे, मैंने इकट्ठे 4-5 पैक लिए थे कि किसी ना किसी मेकअप वीडियो में यूज कर लूंगी मैं, तो मैंने 3-4 मेकअप वीडियो में यूज किए थे, कुछ मैं किसी शादी में गई थी तो मैंने वहां पर यूज किए थे। ये एक पैकेट मैंने तब से रखा हुआ है, घर भी शिफ्ट नहीं किया था मैंने, तब से रखा हुआ था कि मैं इससे ना नेल लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि काफी लड़कियां मुझे नीचे कॉमेंट कर रही थी कि आप कैसे लगाती हैं फेक नेल ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं आपके, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। तो मैंने कहा इनको सिखाऊंगी कि जिस तरीके से सैलून पे लगाती थी ना मैं ब्राइड्स वगैरह को नेल्स, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को सिखा दूंगी बहुत इजी मेथड से, जिससे सही पक्के नेल्स लग जाते हैं। ये देखें मैं जोर जोर से नाखूनों को भींच रही हूँ, दबा रही हूँ इससे, दूसरे हाथ के नेल्स मैंने इससे स्टक किए हैं। इसी से लिपस्टिक लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, हेयर स्टाइल बना लो बेशक आप कोई भी, तो ये जो नेल्स है आपका ये कहीं भी नहीं जाएगा, एज इट इज लगा रहेगा पूरे फंक्शन में। आप ड्रेस उठा रहे हो, आप दुपट्टे की सेटिंग कर रहे हो, आपने बच्चे भी उठाए हुए, तो भी आपका नेल कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपने इस मेथड से नेल्स लगाने हैं और मेरे साथ जरूर शेयर करने हैं। आप ये वाले नेल्स यूज नहीं कर रहे ना, तो वो जो 20 के और 25 के और 30 रुपीज के नेल्स आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके लगाने की टेक्निक ये है कि आपने नाखून से छोटा नेल आपने लगाना है ऊपर, बड़ा नहीं लगाना। जब आप बड़ा लगाते हो तो वो बहुत ज्यादा फेक लगता है, तो अपने नाखून की जो चौड़ाई होती है ना उस चौड़ाई से छोटा नेल्स लगाना है आपको, जो
बिल्कुल किनारों से स्टक हो जाए और वो बिल्कुल नेचुरल लगता है और बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। तो आप इस तरीके से नेल्स की एप्लीकेशन करें, फिर मेरे साथ अपने स्टोरीज पे या पिक्चर्स में या जहां पे भी आप मुझे टेक करना चाहते हैं टेक करना जरूर, कि हमने आशा आपके बताया हुआ मेथड से नेल की एप्लीकेशन की है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, तो ये मुझे जरूर शेयर करना, स्टोरीज पर टेक कर देना मुझे, मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूंगी अपने इंस्टाग्राम पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत अच्छी टेक्निक आपको सीखने को मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।